संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत गांव में प्रत्येक परिवार के यहाँ शौचालय बनवाने का प्रावधान है, परंतु बड़े अफसोस की बात है, भदोही जनपद ब्लॉक ज्ञानपुर के चक टोडर गांव में राजकुमारी देवी सहित 226 परिवारों के यहाँ आज तक शौचालय न होने से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे गांव में शौचालय की समस्या बाहर की मतलब कि 226 मतलब घर हैं और केहू के पास शौचालय भी नहीं बाहर है। सब प्रधान से कहें और उन्होंने मतलब सुने नहीं, ओकरे बाद में नहीं हो, फिर भी बारिश होता है तो खेते सवारे जाए भी तकलीफी होता है और बाभन लोगन का घर खेत हवे तो हम लोग मतलब गरीब लोग जब जाते हैं तो सब हरकत हैं, मना करते हैं और फिर पुरुष भी उधर ही जाते हैं, अब बहु बेटियन भी जाते हैं उधर ही, भाई अपन बैठे तो उठते हैं, जब फसल तैयार हो जाता है तो रोड के किनारे बैठे हैं, वो से सब गाड़ी देते हैं, गंदगी फैलता है। शौचालय नहीं बा तो का समस्या बा? अब बहु बेटी जौन आवत हैं, हमारे सबका तो बुढ़ाई है कि बीत गई जैसे मन तैसे, लेकिन अब जौन नौकरी में आवत हैं तो नहीं तो चाहे न बबनन ठकुरन खेते में जाते हैं, गाड़ी देते हैं, डाड़े मेड़े कीड़ा बिछी बैठा ना साफ सावन कछार मार मार जाते हैं। तो शौचालय बनवाए भी तो कोनो प्रयास करे रहो? प्रयास हम ऐसा करी थे, हर प्रधानी में कह प्रधान लोग कहीं कि आई जाए बीत जाए, 5 साल ना करी। हमारे सबके गांव में 226 लोग हैं, कोई के शौचालय नहीं है, बस काला पड़ा था तो खेते सिवारे जाए में मेहरारू में लड़कियन बच्चन के दिक्कत होता, भीजत हन पानी पथरा पड़ता, जानवर हैं कीड़ा बिच्छी निकलता है, गिरत पड़त हैं, रही बात जब फसल हो जाता तो धान गेहूँ तो भाई सड़के पर बैठत हैं और एक बाद गंदगी फैलता, ना जाना मनैन हर बात बोलत हैं जगह जगह कि गंदगी फैलावत हैं, आप लोग कहाँ जाए, हम लोग परेशानी यही से बढ़ रहा है। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इन सभी परिवारों को घरों में जल्द से जल्द शौचालय बने जिससे इनकी समस्या दूर हो। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि ज्ञानपुर ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर है 94 54 46 51 28 पर कॉल कर दबाव बनाए और हमारी मदद करें। मैं केसा देवी भदोही जिला से इंडिया अनहर्ड के लिए।